वालेकुम सलाम। ये सलमान है मेरे साथ, मेरे पेशेंट हैं जो सलमान मेरे पास आए थे अक्टूबर के अंदर वेरिकोसिल इम्प्लांटेशन के लिए। और सलमान का मैंने प्रोसीजर किया था। सलमान बेसिकली ग्रेड 3 वेरिकोसिल के साथ आए थे और उस टाइम पे इनको हैवीनेस थी थोड़ी सी और इनकी स्वेलिंग थी लेफ्ट टेस्टिस के अंदर और इनकी वेंस काफ़ी इंगॉश थी। प्रोसीजर हमने अक्टूबर में किया था 2021 के अंदर। आज मेरे पास ये 20 मार्च 2022 में फॉलोअप पे आए और इनके भी मैंने अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटल किया इसका, उसमें तो वो तमाम वेंस जो थी सारी की सारी रिजॉल्व हो गई। और क्लिनिकली मैं सामान को देख रहा था कि तो इसमें तकरीबन 80% इनकी पेन रिडक्शन हुई है। सलमान आप बताओ कि आपको इस नॉन सर्जिकल लेफ्ट वेरिकोसिल इम्प्लांटेशन से आप क्या महसूस करते हो कि हाउ इज़ द प्रोसीजर, कैसा प्रोसीजर है और कितना आपको फ़ायदा हुआ है और इस प्रोसीजर आपको कंफर्ट बेहतर महसूस होती ही नहीं होती है? असल में ये प्रोसीजर काफ़ी यानी बहुत शॉर्ट यानी टर्म के लिए ड्यूरेशन के लिए यानी क्विक एंड ईजी प्रोसीजर है। जो असल प्रोसीजर सर्जरी के थ्रू होता है तो एक तो उसमें से आपकी इंसिजन होती है, बाकी मार्क्स स्कार्स वगैरह रह जाते हैं जो कि कुछ इंस्टेंसेस पे पकड़े भी जाते हैं। यानी मेरा पर्सनली एयरफोर्स के लिए था और उसके लिए ये एक अनफिट क्राइटेरिया में आता है ये वेरिकोसिल। तो इस प्रोसीजर से एम्बुलाइजेशन से एक तो आपको स्कार्स नहीं पड़ते और ऊपर से ये मैक्सिमम 20 मिनट का प्रोसीजर है तो एक क्विक एंड ईजी सोल्यूशन होता है और यानी आप टोटली रिकवर हो जाते हो, आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। डू यू थिंक यू विल रिकमेंड, आप रिकमेंड करोगे इस प्रोसीजर को? जी, यानी अगर आपको इस लेवल तक कोई प्रॉब्लम है तो आप सर्जरी से बेहतर ही है कि आप इस नई प्रोसीजर को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सलमान, आपका बहुत शुक्रिया।